मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आज धर्मशाला सर्किट हाउस में दलीप सिंह राणा और WWF द ग्रेट खली ने की मुलाकात। हिमाचल सरकार की कैबिनेट की बैठक का आयोजन आज धर्मशाला में होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। बैठक में हिमाचल के लिए कई अहम घोषणाओं को मंजूरी मिल सकती है। हिमाचल में कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर पार्टी ने आज शिमला में बैठक बुलाई है, जिसमें सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया। कांगड़ा के सिविल अस्पताल ज्वाली में प्रशासन की लापरवाही के चलते लाखों की एम्बुलेंस में लग रहा है जंग। लंबे समय से एम्बुलेंस की उठ रही थी मांग, एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में नाकाम रहा स्वास्थ्य विभाग। 3 साल पहले एक समाज सेवी ने मरीजों की सुविधा के लिए एक एम्बुलेंस अस्पताल को दी थी दान। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकता है। बैठक से पूर्व नए विधायकों को प्रशिक्षण देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। हिमाचल के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हमीरपुर के सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को खामियां दूर करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अध्यापकों से शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर जोर देने को कहा। सोलन के होमगार्ड को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, इस कारण उन्हें घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। होमगार्ड्स ने अब वेतन के लिए उच्च अधिकारियों से मिलने का मन बनाया। कांगड़ा के एक गांव में एक महिला के घर से 74 पेटी शराब मिली है। एक सूचना के आधार पर कार्रवाई पर करते हुए पुलिस जब महिला के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची तो शराब बरामद की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार के 100 दिन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ हिमाचल कार्यक्रम के तहत आज सोलन खंड में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। उद्योगपतियों और आम लोगों की सुविधा के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बद्दी में हेल्प डेस्क सेवा शुरू की।